सवाल यह है कि अभी जो हाल ही में दो बिजली विभाग के अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, वो किस मामले में किए गए हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि सेक्टर 62 हमारा एक एरिया है, इसमें नवादा क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक प्रकरण है, एक उपभोक्ता है लाइट एंड फैन की, उनकी पीडी अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी द्वारा पीडी फाइनल कर दी गई थी, लेकिन बाद में अभी जो हाल ही में एक चेकिंग विजिलेंस में एक शिकायत अज्ञात शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसकी चेकिंग की गई, जांच की गई प्रवर्तन दल द्वारा, उसमें वो कनेक्शन चलता हुआ पाया गया, जबकि वो अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी ने उसको पूर्व में स्थायी रूप से विच्छेदित घोषित कर उसकी पीडी फाइनल कर दी गई। तो एक तो वो प्रकरण है, दूसरा है कि उसी क्षेत्र में नवादा में अलग अलग जगह कभी अपार्टमेंट्स बने हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, वहाँ पर तो 9 कनेक्शंस थे ऐसे जहाँ पर जो नियमानुसार विद्युत आपूर्ति संहिता के नियमानुसार प्रावधानों के अनुसार वहाँ पर उनका बाह्य विद्युतीकरण करने के बाद वहाँ पर कनेक्शन दिए जाने थे, लेकिन क्या गया कि उसमें ये पाया गया जांच में कि उनको विद्युत बाह्य विद्युतीकरण न करके जो हमारे कॉमन ट्रांसफार्मर हैं 400 KVA अलग जो स्थापित हैं वहाँ अगल बगल, उनसे ही उन अपार्टमेंट्स में कनेक्शन दे दिए गए, जो कि एक सीधे राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया विभाग को। तो इन्हीं दो प्रकरणों में तत्कालीन अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी उनको निलंबित किया गया है।